तो कुछ इस तरह से देखो, क्रिस्टल पैलेस मैड्रिड का, चारों तरफ कांच ही कांच है, ऊपर से देख सकते हो। तो दोस्तों ये चर्च एक और नई, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को एल गार्डेन, और ये भी करीबन 90 साल पुरानी चर्च है, और ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो भी यूरोपियन यहाँ पे आते हैं इस चर्च में ज़रूर आते हैं। और ये मैड्रिड तो चर्चों से भरा पड़ा है, मैं कम से कम 4 चर्च विजिट कर चुका हूँ अभी तक। तो जीजस में कुछ इनकी ज़्यादा ही मान्यता है। खैर हमारे वहाँ भी मंदिरों की तो कमी नहीं है, मगर यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। तो इसके अंदर से देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है, अंदर चलते हैं और आपको विजिट कराते हैं। बाहर से आपको दिखाई दिया, कुछ कोई लोग दिख तो नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलो ये सिटी बैग का एक दूसरा स्टैंड है जो पहले आपको दिखाया था, और उसके बाद है ये। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप मेरी बाइक लो रेंट पे, और उसके बाद पूरा शहर घूमो। एक्चुअली ये जो जगह थी काफ़ी हरी भरी सी रहती थी, काफ़ी टूरिस्ट आते थे यहाँ पे, मगर अभी कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा है कि सब कुछ सुना सुना सा हो गया है। फिर भी चलो कोशिश करते हैं, देखें आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूँ। और कुछ ये तो काफ़ी बड़ा है यार टेंशन नहीं करो। और कुछ इस तरह से अंदर से ही पोस्टर लगा रखा है बाहर, खुला है कि नहीं खुला है देखते हैं अंदर। और 10:30 ओके, सो अभी डोर क्लोज हो चुके हैं। अभी ये शाम को खुलेगा 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, तो अभी रेस्ट पे हैं सब। तो बाहर से देख सकते हैं अपन, इससे पहले अपन ने इससे बड़ी शहर देखी ली है। तो कुछ इस तरह से मैड्रिड का रोड है, और ये टैक्सी है यहाँ की रेड एंड वाइट लोकल बसेस। और ये बस स्टॉप, यहाँ से उठाएंगे अपन दूसरी बस और चलेंगे दूसरे अट्रैक्शन पे। तो बने रहना, और भी कुछ दिखाते हैं आपको। हाँ जी, और इसके अंदर भी मास्क पहनना सबको जरूरी है अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ सुथरी सीटें हैं, और हर सीट के पीछे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, यूएसबी, आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वाईफाई नहीं है, लोकल है बस, कोई वाईफाई नहीं लगा होता इसमें। जो रात वाली बस थी जिसमें मैं आया था उसमें वाईफाई लगा हुआ था, इसमें वाईफाई नहीं है। इतनी लग्जरी भी नहीं है, नॉर्मल है। और जो पास मैंने आज सुबह लिया था 8.40 यूरो का आपके सामने, वही पास इसके अंदर भी लागू होगा 24 आवर्स के लिए। मैं मेट्रो, बस, ट्रेन जो भी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ उसी कार्ड के ऊपर। तो वो काफ़ी ठीक सा था, 840 में नॉट बैड, जिसमें मैं कम से कम 6 बार तो ट्रेन यूज़ कर चुका हूँ, मेट्रो, और 2 बार बस यूज़ कर चुका हूँ, और ये अभी तीसरी बस है। तो देख रहे हैं ये मैड्रिड की बस की सवारी। This is sound and noise.
हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे एक गार्डन में। इस गार्डन का नाम है रेतीरो पार्क। ये मैड्रिड के अंदर बहुत बड़ा पार्क है। इसका जो वर्क क्षेत्र है, या इसको किलोमीटर में अगर बोला जाए, तो ये अराउंड 22 से 35 किलोमीटर के बीच के दायरे के अंदर है। इतना बड़ा गार्डन है। और इस गार्डन की एक और खासियत है, एक लवर पॉइंट है, और यहाँ पे एक क्रिस्टल पैलेस है, जिसको बोलते हैं शीशे का महल, वो बना हुआ है। वही मैं देखने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये महल, ये पूरा कांच का बना हुआ है। इसमें दीवार, सीमेंट, मिट्टी कुछ नहीं है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। अभी धूप हो रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं बाहर। कुछ इस तरह से दिखता है, तो मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से कैसा लगता है। तो गार्डन के बीचों बीच में एक क्रिस्टल का पैलेस बना हुआ है, इसको पलासियो द क्रिस्टल बोलते हैं। इस तरह से दिखता है सारा। और रात में इसमें काफी तरह से रोशनी होती है, लाइटें चलती है, तो ये काफी सुंदर दिखता है। के अंदर जाने का रास्ता पीछे से, उधर चलते हैं अपन। और ये गार्डन आप देख सकते हैं, काफी बड़ा गार्डन है। और मेरे को यहाँ चलते चलते, जैसे मैं कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। और ये छोटी सी झील बनी हुई है गार्डन के पास, ये और भी प्यारी लगती है रात को। कुछ इस तरह से बच्चे बैठ के एंजॉय करते हैं यहाँ पे। पर्दन तो कुछ इस तरह से देखो, क्रिस्टल पैलेस मैड्रिड का, चारों तरफ कांच ही कांच है, ऊपर से देख सकते हैं आप। ये किसको खड़ा कर रखा है उन्होंने भाई। तेरे सगा से तो दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे बड़ा सा फ्लावर इन्होंने लगा रखा है, आर्टिफिशियल मेटल का बना हुआ, और उसको पीछे कवर कर रखा है इन्होंने। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, समथिंग डिफरेंट। तो चलो बस ये देखना था अपने को। ग्रासियास, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा कर रखा है इन्होंने। तो ये था क्रिस्टल पैलेस।
अभी निकल रहे हैं अपन यहाँ से।